तो गुड इवनिंग गाइस, अभी रात के टाइम है। यहाँ पे देखिए गैराज में एक सांप घुसा है। अभी उन लोग को पता नहीं कौन सा सांप है, बोल रहे बहुत बड़ा साइज है। तो चलो पहले देखते हैं कौन सा सांप है और उसको देखते हैं। यहाँ पे দেখাচ্ছি টেনশন নিস না, মাথা উড়েছে ওই জলা গেছে। দেখিয়ে যা দেখে উপর সাফ হ্যাঁ মুখে লগ রা ট্রিঙ্কেট স্নেক হ্যাঁ আম নট শিওর পেলে নিচে उतारने की कोशिश करते, फिर जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कौन सा सांप है। एक्चुअली मैं इस एरिया में पहली बार देख रहा हूँ इस टाइप का स्नेक, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मोस्ट प्रोबेबली ट्रिंकेट स्नेक है। कोई जहरीला नहीं लग रहा है क्योंकि उसका सर का स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है वो जहरीला नहीं है। सेफ्टी मेजर करना बहुत जरूरी है। तो पहली बार उसको नीचे लाए थे, यहाँ पर हाई वोल्टेज करेंट भी है। तो नीचे जाने के लिए लंबा कुछ है क्या? চলে গেছে বাইরে 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 গেছে ঢুকে যাবে না তো কোনো অপোজিট সাইড, অপোজিট সাইড যা। এবার ওই পেশে গেলি না ভেতরে বাবা এই মাথা কি রে চলো এসে বাইরে লেকে চলতে ওই ওই যে বাইরে লাইট আছে মস্ত লাইট দেখিয়ে বলা স্নেক মুঝে লগ রা ট্রিঙ্কেট হ্যাঁ লেকিন শিওর ভি নহীঁ হো পা রহা হুঁ মুঝে ইসকা বিহেভিয়ার কে বারে মে জ্যাদা কুছ পতা নহীঁ হ্যায় সো मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ट्रिंकेट स्नेक ही है। आई एम नॉट श्योर।
इसका जो हेड का स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका हेड देखा जूम करके, कांस्टेंट हिलाना मत ज्यादा कैमरा, ठीक है ना? वो तो हिल रहा है ना, ये तो हिलेगा, रुको इसको एक जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, तो आराम से अभी बढ़िया से सर। मैं पहले कभी ये वाला स्नेक इस एरिया में देखा नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तब बता दूंगा कौन सा स्नेक है, मैं थोड़ा रिसर्च करके। लेकिन एक चीज है कि उतना एग्रेसिव स्नेक है नहीं, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। चलो इसको बैग के अंदर डाल देते हैं, प्यारा स्नेक है, नहीं जाएगा, चलो नहीं जाएगा। तो चलो बैक के अंदर चला गया, ये एक्चुअली अंधेरा वगैरह में जनरली रहता नहीं है, पेड़ पौधों के ऊपर रहता है, ये बैक के अंदर नहीं रह रहा है। खेले थे खेल दो जी बात बस चलो। अच्छा मुझे इसको नेकिंग करना नहीं पड़ा, क्योंकि जनरली मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ स्नेक का नेकिंग करना। अरे इसमें तो गलत की बैग है, सीमेंट भरा पड़ा हुआ है। तो गाइस ये स्नेक को तो पकड़ लिया हूँ मैं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ कौन सा स्नेक है, इसके बाद जाकर इसको मैं रिलीज करने वाला हूँ। अभी रिलीज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जानने के हिसाब से ये वाला स्नेक मतलब पहले कभी इसके अक्रॉस में नहीं आया हूँ, सो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत तो रेयर है। तो इसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद जाकर रिलीज करते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए इसको रिलीज करने के लिए, और मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च कर लिया कौन सा सांप है। चलो इसको पहले निकालते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा रेयर स्नेक है वाला। बैग हटा। तो देखिए ये जो स्नेक है एक फ्रॉस्टन कैट स्नेक है, एक कैट स्नेक का स्पेसिस है, और ये इसका जहर माइल्डली वेनमस है। लेकिन ये जो काटता है बहुत ही मतलब जनरली जो माइल्डली वेनमस स्नेक होता है वो इंसान को ज़्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन इसका जो काटने का ये है बहुत ही विग्रेसली काटता है, बहुत ही ज़्यादा काट लेता है, तो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए आप लोग कहीं पे भी दिखे ये वाला स्नेक तो दूर ही रहिए, बेटर रहेगा। लेकिन ये वाला स्नेक बहुत ही प्यारा स्नेक है, और ये एर्बोरियल है। एर्बोरियल एज इन, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एर्बोरियल मतलब क्या है इसका। देखिए इसको इस पेड़ में
छोड़ते हैं। देखिए एर्बोरियल मतलब ये होता है कि जो पेड़ में ज्यादातर रहते हैं, तो ये वाला स्नेक एक एर्बोरियल स्नेक है जो कि पेड़ में ज्यादा टाइम रहता है और छोटा छोटा बर्ड्स वगैरह चूहे वगैरह ये सब खाता रहता है, इसका खाना वही है। और इसको कैट स्नेक इसलिए बोला जाता है, इसका आँख देखिए पूरा बिल्ली जैसा बड़ा बड़ा होके बीच में एक लाइन, इसलिए इसको जनरली कैट स्नेक बोला जाता है। तो गाइज ये था इन्फॉर्मेशन, और बहुत ही प्यारा स्नेक है ये, ज़्यादा एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम एग्रेसिव है और शायद इसको पेड़ मिलके बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसको यहीं पे इसके हाल में ऐसे छोड़ देते हैं, गांव से बहुत बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ पे इसको खाना वाना भी प्रॉपरली मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इतना सालों बाद पहली बार मैं उड़ीसा में इस टाइप का सांप स्नेक देखा हूँ, सांप देखा हूँ, जो कि मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा है। और थैंक गॉड मैं आज प्रेजेंट था, क्योंकि मुझे एक ट्रिप पे जाना था लेकिन नहीं गया, और उसके वजह से शायद ये सांप बच गया। आई एम रियली ग्लैड, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, एक्चुअली यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो जो भी हो, तो आप लोगों को लास्टली बता देता हूँ, ये कैट स्नेक का स्पेसिस है, उसका बॉडी जो शाइन कर रहा है ना, मुझे पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल स्नेक है, देखिए कितना शांत बैठा हुआ है। तो चलो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और हम लोग चलते हैं, और होप सो इससे और कभी ना मिले हम लोग कि ये भी किसी इंसान से ना मिले, बढ़िया, इसके लिए भी अच्छा है और इंसान लोगों के लिए भी अच्छा है। तो चलो चलते हैं।